तो गाइज जैसा कि मैंने स्टोरी डाला था कि मैंने कुछ गैजेट्स अपग्रेड किए हैं, तो शुरुआत के दो तीन वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी निकाल के दूंगा। दो तीन वीडियो वेट करो, उसके बाद बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आने वाली है। तो मस्त मस्त कॉन्टेंट्स आ रहे हैं आर्यन टेक एंड गेमिंग चैनल पे। एंड आज लेके आ गया हूँ लावा की तरफ से लावा अग्नि 2। एंड आज की वीडियो में करने वाला हूँ इसका एक क्विक ओवरव्यू, सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो दिल थाम के बैठ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर चैनल पे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो, चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो लावा अग्नि के बारे में कुछ कहानी बताऊं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है बीच में लावा के फोन्स आने बंद हो गए थे। एंड अभी लावा ने लावा अग्नि 1 लॉन्च किया था जो कि काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आया था। वही यहाँ पे लावा अग्नि 2 भी आ चुका है जो हमारे हाथ में आ चुका है। साथ साथ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि उसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि ये फीचर्स कैसा वर्क कर रहा है, सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सभी जानकारी दूंगा। तो डिज़ाइन से शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसका वेट 210 ग्राम्स निकल के आता है एंड थोड़ा सा हैवी लगता है। एंड ये मैं कह दूं कि ये उतना अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको 4700 mAh की बैटरी दी गई है एंड 66 वॉट की चार्जिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। तो 4700 mAh की बैटरी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फ़ोन थोड़ा ज़्यादा हैवी निकल के आता है। बाकी इन हैंड फील के मामले में आपको हैवीनेस तो फील होगी, लेकिन यहाँ पे ग्रिप ही अच्छी बना देता है, उसमें कोई इशू नहीं है, स्लिपरी फील नहीं होता है। बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में पीछे की तरफ ग्लास बैक दी गई है एंड आगे की तरफ कर्व डिस्प्ले है। साथ साथ आपको IP53 की स्प्लैश रेजिस्टेंस भी यहाँ पे देखने मिल जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ आपको कैमरा मॉड्यूल पे ध्यान दो तो ये थोड़ा सा रियलमी 11 प्रो प्लस की याद दिलाएगा। एंड यहाँ पे मैट फिनिश में आपको बैक पैनल देखने मिलता है जहाँ पे एक ग्रेडियंट इफेक्ट इन्होंने दिया है, तो उसके कारण यहाँ पे बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट के स्मजेज नहीं लगते, ये अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी आगे कौन से ग्लास के प्रोटेक्शन दी गई है वो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। एंड यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्टर भी देखने नहीं मिलता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, आपको यहाँ पे टेम्पर ग्लास लगाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमें डुअल नैनो सिम ट्रे का स्लॉट दिया गया है, मस्त आप दो सिम यहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया गया है। एंड इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि जब भी मैं गेमिंग करता हूँ तो एक तरफ से हाथ दब जाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आती है, तो यहाँ पे गेमिंग में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक लेके आता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो मुझे इसकी डिज़ाइन अच्छी लगी है, यहाँ पे मिनिमल डिज़ाइन दिया गया है तो ये बात अच्छी हो जाती है। तो आगे बात आती है डिस्प्ले की दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बड़ी 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन देखने मिलती है। 10 बिट डिस्प्ले है, इस बात का ध्यान रखना होगा। एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात रही डिस्प्ले की, तो यहाँ पे कलर्स ओवर सैचुरेटेड आपको देखने मिलते हैं। हालांकि मेरे को पंची कलर्स पसंद है, सैचुरेटेड कलर पसंद है, तो मुझे इसके कलर्स अच्छे लगे। एंड ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको पंची कलर पसंद है या आप नेचुरल कलर के साइड जाना चाहते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आप HDR में स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पे 950 निट्स की ब्राइटनेस है। एंड हमारे एरिया में अब धूप आ चुकी है भगवान की कृपा से, तो यहाँ पे मैंने आउटडोर लाइटिंग में टेस्ट किया, यहाँ पे डार्क मोड में भी 950 निट्स की ब्राइटनेस सफिशियंट निकल के आ रही थी। बाकी बात करते हैं 120 हर्ट्ज की, तो इससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जिटरीनेस देखने आपको मिलती है। एंड यहाँ पे अगर आप पिक्चर इन पिक्चर यूट्यूब के साथ जाओगे और उसके बाद स्क्रॉलिंग करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिटर आपको देखने मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे थोड़े बहुत बग्स एंड यहाँ पे ग्लिचेस भी मुझे इसके UI में देखने मिला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। रही बात कर्व्ड स्क्रीन की दोस्तों, तो कर्व्ड स्क्रीन भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक लेके आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल टचेज होते हैं एंड इसने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ में मेजर अपग्रेड एंड अपडेट्स की ज़रूरत है इस फ़ोन के साथ। बाकी हैप्टिक्स की बात रही तो हैप्टिक्स यहाँ पे बहुत तगड़े वाले दिए गए हैं, उसमें यहाँ पे कोई भी कंजूसी नहीं की गई है, हैप्टिक्स यहाँ पे मस्त आपको देखने मिल जाता है। तो ऑल ओवर डिस्प्ले का कंक्लूड करो तो यहाँ पे डिस्प्ले इसकी अच्छी है, लेकिन इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हुई है मेरे को। तो
तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया गया है। एंड रैम में यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पे LPDDR4X रैम दिया गया है, UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पे थर्मल जिस फोन के काफ़ी अच्छे से मैनेज देखने को मिले, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। एडिशनली स्कोर्स भी यहाँ पे तगड़े निकाल के देता है अपने प्रोसेसर के हिसाब से। आगे बात करें गेमिंग की, तो यहाँ पे BGMI में आप स्मूथ में एक्सट्रीम पे गेम प्ले कर सकते हो, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म गेमिंग जब आप करते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी जिटरीनेस एंड फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलता है इसके गेमिंग में, तो वो थोड़ा सा गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इम्बैलेंस कर देता है। बाकी एंड्रॉयड 13 आपको इस फोन में देखने मिलता है, एंड 3 से 4 साल का यहाँ पे अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे इस पर्टिकुलर फोन के साथ, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। होपफुली लावा इसे बरकरार रखे एंड बना के रखे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ इस फोन की जो मुझे देखने मिली है वो है कि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने मिलता है, एंड यहाँ पे आपको ब्लोटवेयर एड्स ये सब कुछ भी देखने नहीं मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ कर दी है यहाँ पे लावा ने। बाकी दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया UI में अभी अपग्रेड्स एंड अपडेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने मिलते हैं एंड ग्लिचेस भी यहाँ पे मुझे देखने मिली है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स हो जाएगी, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी बैटरी का तो मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे 4700mAh की बैटरी है, 66W की फास्ट चार्जिंग दी गई है, एंड बॉक्स में आपको चार्जर वगैरह वगैरह सब चीज़ देखने मिलता है। एंड यहाँ पे बॉक्स पे ध्यान दें तो बॉक्स भी आपको बड़ा सा देखने मिलता है, एंड इसमें सभी चीज़ें प्रोवाइड की गई है, एवरीथिंग। बाकी यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो ये फास्ट चार्ज हो जाता है, एंड बैटरी बैकअप सरप्राइजिंगली मुझे इस फोन की काफ़ी अच्छी लगी है, तो ये भी सॉलिड चीज़ निकल के आती है। बात रही फिंगरप्रिंट स्कैनर की दोस्तों, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन का डिले है, साथ साथ दोस्तों यहाँ पे रिकॉग्निशन की भी इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस होती है, तो ये सब ओवरऑल धीरे धीरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। तो कैमरास पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो एंड 2 का डेप्थ यहाँ पे सेंसर लगा के दिया गया है। वही सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको अच्छी खासी सेल्फी शूटर देखने मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सेल्फी से शुरू करें, तो यहाँ पे सेल्फी कैमराज में फोटोज अच्छे निकाल के देता है, लेकिन लाइट कंट्रोल एंड यहाँ पे कलर सेलेक्शन जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एंड डायनेमिक रेंज को भी कुछ खास तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। एंड ये प्रॉब्लम इवन आप पोर्ट्रेट मोड में भी लेते हो तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है फ्रंट कैमरे से। बाकी बात करते हैं यहाँ पे बैक कैमरे की, तो 50 मेगापिक्सल डिसेंट डिटेल्स आपको निकाल के दे देता है, लेकिन कलर्स यहाँ पे ओवर सैचुरेटेड रहते हैं, एंड यहाँ पे ये कलर फिल्टर रेडी आपको फोटोज निकाल के देता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आपको पंची कलर पसंद है तो ये फोन आपको ओवरऑल पसंद आने वाला है, चाहे डिस्प्ले हो जाए या फिर यहाँ पे कैमरा हो जाए। बाकी दोस्तों यहाँ पे बैक कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन की कोई ज़्यादा इशू देखने नहीं मिलती है, एंड यहाँ पे ओवर सैचुरेशन वाला इशू आपको वहाँ भी देखने मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड में भी। बाकी बात करें अल्ट्रा वाइड लेंस की, तो नॉर्मल लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस में यहाँ पे थोड़ा सा कलर डिफरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस थोड़ा सा नेचुरल कलर शो करता है, वही नॉर्मल लेंस की बात करें तो वो यहाँ पे आपको सैचुरेटेड कलर शो करके निकाल के देगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात रही नाइट मोड की, तो मैंने कुछ फोटोज़ क्लिक किए हैं, यहाँ पे नाइट मोड मुझे डिसेंट ही लगा है, कुछ खास ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है अच्छा नाइट मोड यहाँ पे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वैसे इन फोटो से आपको नाइट मोड का अंदाज़ा लग गया होगा। बात आती है दोस्तों यहाँ पे कैमरा के फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको फीचर्स तो काफ़ी सारे दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 4K के साथ साथ आप यहाँ पे 2K 30fps में भी वीडियो बना सकते हो, एंड यहाँ पे आपको EIS का 2K तक सपोर्ट मिल जाता है। एंड इस वीडियो में आप देख सकते हो यहाँ पे EIS के साथ 2K पे मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रहा है। बाकी 4K 30fps में यहाँ पे जिटरीनेस बहुत ज़्यादा देखने मिलती है, आप देख सकते हो इस वीडियो में, हालांकि 4K 30fps यहाँ पे ठीक ठाक वर्क कर जाता है, कलर्स डायनेमिक रेंज उन सबको अच्छे से मैनेज कर लेता है। बात रही फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे सिर्फ 1080p 30fps का लो रिजोल्यूशन दिया गया है, एंड यहाँ पे मैं एक वीडियो सैंपल आपको प्ले करके दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा इसकी क्वालिटी का। तो चलिए, तो ये वीडियो शूट हो रही है फुल HD में फ्रंट कैमरे से, एंड यहाँ पे 4K का ऑप्शन नहीं दिया गया, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एंड मैं यहाँ पे ब्रिस्क वॉक कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हो रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो अगर आपको कुछ स्किप करना हो, ट्रैक करना हो, तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल कैमरास की बात करें तो यहाँ पे कैमरास मुझे इसके अच्छे लगे हैं, यहाँ पे कैमरास में कोई कमी नहीं है, खासकर मैं कह सकता हूँ कि इसका कैमरा कंसिस्टेंट है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन करता है, अनलाइक अदर फोन्स जो कि इस प्राइस रेंज में आते हैं जिसमें कैमरा की कंसिस्टेंसी बहुत ही बेकार देखने मिलती है।
तो वायरलेस कनेक्टिविटी पे आते हैं तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने मिलता है, NFC नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई 6 और साथ साथ 13 5G के बैंड यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाते हैं, विथ ऑल द इंपॉर्टेंट बैंड्स आर अवेलेबल इन दिस फोन। बाकी आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो वायरलेस कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं आती, 5G मस्त वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ सॉर्टेड हो जाती है। तो कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों, एंड यहाँ पे मेरा सिंपल सा कंक्लूजन है कि इस फ़ोन ने जो मेहनत की है वो बहुत अच्छी मेहनत की है लावा ने। यहाँ पे मैं इस फ़ोन के लिए हेट बिल्कुल क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये फ़ोन अभी नया है तो थोड़ा अपग्रेड्स का टाइम देना पड़ेगा आपको, तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा इस फ़ोन को आपको परचेस करने, लेकिन अगर आप इन बग्स एंड ग्लिचेस से कम्फर्टेबल हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको लावा अग्नि 2 ही परचेस करना है तो थोड़ा रुक के परचेस करो, एक दो अपडेट्स आने तो यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।